तस्वीरों में एक बैरिकेड को किस तरह से प्रदर्शनकारी हिला रहे हैं। देखिए, एक बैरिकेड जो है वो ऑलरेडी टूट चुका है और यहाँ पर वो आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस जो है आगे बढ़ रही है। देखिए, पुलिस लाठीचार्ज करते हुए उनको फिलहाल पीछे धकेला जा रहा है। इनको भी मारा है, बहुत। पुलिस ये कह रही है कि बैरिकेड तोड़ा था। नहीं, हम लोगों ने बैरिकेड नहीं तोड़ा था। हम लोगों के अंदर शासक दल का बहुत सारा दुष्कृति मिल गए थे। उन लोगों को हम लोगों ने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया, मीडिया भाइयों के कैमरा में वो दिखाई देगा। हमने हाथ जोड़ के उन लोगों को रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग ईंट मत मारिए, ये हम लोगों का शांतिपूर्ण जमायत है। बट उन लोगों ने हम लोगों की एक भी बात नहीं मानी और पुलिस की तरफ ईंट फेंका। हम लोगों के तरफ से कोई भी हिंसा नहीं हुआ है। हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखें यहाँ पर जो लोग पहुंचे हैं उनके हाथ में काले जो प्लकार्ड्स हैं और ठीक बैरिकेड के पास पहुंच गए ये लोग और इनके हाथ में जो ब्लैक प्लकार्ड्स आपको दिख रहे हो वो बांग्ला भाषा में लिखा हुआ है कि वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जो है रेजिग्नेशन की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, इसकी मांग जो है उठाई जा रही है, क्योंकि जिस तरह से आरजीकर अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ जिस तरह से दुष्कर्म हुआ, पहले बलात्कार किया गया उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, ऐसे में यहाँ पर आवाज उठाई जा रही है और मांग रखी जा रही है कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। तो बांग्ला भाषा में जो आप ये तमाम प्लकार्ड्स देख रहे हैं उसमें लिखा हुआ है दोफा एक दाबी एक मुख्यमंत्री पदत्याग। इसका मतलब है कि एक ही मांग है और उस मांग को जो है फुलफिल करे सरकार और मुख्यमंत्री इस्तीफा दे, ये मांग यहाँ पर उठाई जा रही है। और यहाँ पर आप देखिए कुछ लोग जो है जो प्रदर्शनकारी और इस रैली में जो शामिल हुए अब वो धीरे धीरे बैरिकेड के पास पहुंचने लगे हैं। पुलिस से बातचीत की जा रही है, पुलिस उनको शांत रहने के लिए कह रही है और पुलिस अपना बैरिकेड देख रही है क्योंकि जो सैंड बैग यहाँ पर लगाए गए थे वो जो है और भी ज्यादा रखे जा रहे ताकि वो बैरिकेड को ना हिला पाए। लेकिन कुछ प्रदर्शनकारी को आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर, वो फिलहाल बैरिकेड्स के पास पहुंचे, उसे हिलाने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस उनको समझाने बुझाने की कोशिश कर रही है कि इस रैली की अनुमति नहीं है। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है पहले जो धारा 144 थी, जो प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स थे, वो अब सेक्शन 163 है बीएनएनएस की और वो धारा जो है लगा चुके हैं वो लोग सचिवालय के इर्द गिर्द। ऐसे में प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स होने की वजह से वो सचिवालय के तरफ नहीं जा पाएंगे, ये भी इसी जगह से जो है उन्हें कहा जा रहा है। जी, हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, आप देखिए यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी है वो बिल्कुल बैरिकेड के पास पहुंच चुके हैं, फिलहाल उसे हिलाने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस की तरफ से उनसे बातचीत की जा रही है, उनको समझाने बुझाने का काम किया जा रहा है। कह रहे हैं कि वो आगे ना बढ़े क्योंकि यहाँ पर उनको अनुमति नहीं दी गई है रैली की और साथ ही सचिवालय के इर्द गिर्द प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स है तो ऐसे में वो सचिवालय की ओर नहीं जा पाएंगे। लेकिन यहाँ पर प्रदर्शनकारियों की ओर से लगातार कोशिश जारी है कि वो इस बैरिकेड को क्रॉस कर सचिवालय की ओर जा सके, लेकिन क्लियरली जो तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि वो इस जो बैरिकेड यहाँ पर लगाए गए हैं उसे हिलाने में विफल रहे हैं क्योंकि पुलिस ने 3 स्तरीय बैरिकेड की है, उसे लॉक कर दिया है बिल्कुल जमीन से, उसे सीमेंट की मदद से उसे यहाँ पे लॉक कर दिया है तो वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। लेकिन लोगों में आक्रोश खास आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से कोई अगर प्रोटेस्ट कर रहा है तो उनको अनुमति नहीं दी गई है, यही आक्रोश है, गुस्सा है कि क्यों प्रोटेस्ट के दौरान उन्हें अनुमति नहीं दी गई है। यहाँ पर जिस तरीके का जघन्य अपराध हुआ है आरजीकर अस्पताल में, महिला डॉक्टर के साथ पहले रेप होता है फिर उसका जो है मर्डर कर दिया जाता है और आप देखिए और भी लोग जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं, एक बड़ी रैली जो है यहाँ पर पहुंची है सातरागाछी में, वो धीरे धीरे बैरिकेड की ओर पहुंच रहे हैं और नारे लगाते हुए मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगते हुए और न्याय की मांग करते हुए, क्योंकि जिस पीड़िता के साथ ये दुष्कर्म हुआ है, जो जघन्य अपराध हुआ है, उसके लिए भी न्याय की मांग की जा रही है यहाँ पर। और जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं आप देखिए वो हाथ में वही ब्लैक प्लकार्ड्स लेते हुए मुख्यमंत्री का इस्तीफा जो है मांग कर रहे हैं ये लोग, अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और अब जैसे जैसे 2 बजेंगे क्योंकि कॉल टाइम उनका दिया हुआ है 2 बजे का, भीड़ और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही है, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं जो पीड़िता के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं और मुख्यमंत्री का इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और पुलिस
की भी यहाँ पर जो है सुरक्षा घेरा जो है वो बढ़ाया गया है। यहाँ पर हम आपको दिखा रहे कुछ लोग इकट्ठा हो रहे हैं यहाँ पर और वो जो है यहाँ बैरिकेड की ओर अभी जाएंगे, लेकिन फिलहाल वो कुछ और लोग जब यहाँ पर पहुंचेंगे तब वो धीरे धीरे आगे जाएंगे। लेकिन हाँ आपको बताएं कि अब लगातार यहाँ पर भीड़ बढ़नी शुरू हो चुकी है और वो बैरिकेड्स की ओर आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे में पुलिस की ओर से उनको लगातार समझाया बुझाया जा रहा है कि वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश अभी भी जारी है। जो यहाँ पर पहुंचे हैं जो प्रदर्शनकारी और जिस बैनर के अंदर ये जो हो रहा है प्रोटेस्ट, नाम है उसका पश्चिम बंगो छात्र समाज, तो इस संगठन से जो लोग जुड़े हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि आज सुबह ही जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने ये कहा था कि चार ऐसे जो है छात्र है जो इस संगठन से जुड़े थे वो मिसिंग है, और उसके बाद ही बंगाल पुलिस का एक स्टेटमेंट आता है कि वो कुछ प्लानिंग कर रहे थे इस रैली में करने के लिए और जिसके जरिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डेटियोरेट हो सकती थी। ऐसे में वो चार छात्राओं की जो है गिरफ्तारी हुई है और पुलिस ने उसका क्लैरिफिकेशन दिया है। लेकिन आप देखिए धीरे धीरे ये रैली जो है अभी बैरिकेड की ओर पहुंच रही है, ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये पुलिस से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि ताकि उनको आगे सचिवालय की ओर जाने दिया जा सके। लेकिन तस्वीरें जो है फिलहाल दिखा रही है किस तरह से पुलिस अपना सुरक्षा घेरा भी बढ़ा दिया है और लोग लगातार अभी आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो सीधा आपको लिए चलते हैं लाइव विजुअल्स पर, देखिए ये और लोग जो है यहाँ पर पहुंचे हैं जो इस मार्च में शामिल होने आए हैं सांतरागाछी के, ये विजुअल्स हम लगातार दिखा रहे हैं और वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं और बांग्ला भाषा में नारे लगा रहे हैं कि उस पीड़िता को जो है न्याय मिलना चाहिए और साथ ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का इस्तीफा भी जो है मांग कर रहे हैं लोग। और ऐसे में अब वो धीरे धीरे बैरिकेड की ओर पहुंच रहे हैं और सामने आपको दिखेंगे कि किस तरह से अब लोग ज्यादा बढ़ रहे हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर कोई जो है यहाँ पर इस बैरिकेड को क्रॉस करते हुए दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पुलिस ने उस पर जो है निगरानी रखी है ताकि वो दूसरी तरफ ना जा सके। लेकिन पुलिस ने जो सुरक्षा घेरा लगाया है यहाँ पर रायट कंट्रोल व्हीकल्स यहाँ पर लाए गए हैं और टियर गैस से लैस पुलिस को यहाँ पर तैनात किया गया है और एक शख्स जो है फिलहाल उस बैरिकेड के ऊपर चढ़कर जो है नारेबाजी कर रहा है और पुलिस उसको कह रही है नीचे उतरने के लिए। पुलिस ने यहाँ पर वाटर कैनन को भी जो है तैनात किया है, साथ ही यहाँ पर आपको दिखेंगे कि जिस तरह से दमकल की गाड़ियां रखी गई है ताकि अगर सिचुएशन डेटियोरेट हो तो यहाँ पर वाटर कैनन और पानी की मदद से इन प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेल लिया जाए। लेकिन आप तस्वीरों में देखिए यहाँ पर इस प्रदर्शनकारी को नीचे उतरने के लिए कहा जा रहा है, पुलिस उनको कह रही है कि वो नीचे उतरे और देखिए एकदम से जो है लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश की जा रही है क्योंकि इस बैरिकेड अगर के बाद ही जो है वो आगे बढ़ पाएंगे। आप देखिए तस्वीरों में एक बैरिकेड को किस तरह से प्रदर्शनकारी हिला रहे हैं, देखिए एक बैरिकेड जो है वो ऑलरेडी टूट चुका है और यहाँ पर वो आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस जो है आगे बढ़ रही है, देखिए पुलिस लाठी चार्ज करते हुए उनको फिलहाल पीछे धकेला जा रहा है। देखिए देखिए यहाँ पर आप पुलिस की तरफ से किस तरह से लाठी चार्ज किया जा रहा है और यहाँ पर थोड़ा जो है टेंस सिचुएशन आपको लग रहा होगा।